Redmi 13 5G अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो यहाँ पे गाइस अभी Redmi की तरफ से एक बजट सेगमेंट 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, Redmi 13 5G। इसके पहले भी लास्ट ईयर Redmi ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, Redmi 12 5G, जो कि लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और इस बार वापस Redmi ने इसका एक नेक्स्ट वर्जन अभी लॉन्च किया, Redmi 13 5G। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको Flipkart और Amazon पर अवेलेबल मिल जाएगा, 13,000-13,500 रुपए का ये स्मार्टफोन है, बजट 5G स्मार्टफोन Redmi की तरफ से। तो ये स्मार्टफोन को मैंने रिसेंटली भी कार्ड से परचेस किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्मार्टफोन को अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करने से पहले इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखो स्नैपड्रैगन का 4th Gen 2AE प्रोसेसर है। अभी प्रोसेसर कोई हाई वेरिएंट प्रोसेसर नहीं है, एक डिसेंट प्रोसेसर है, कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, सिंपल डिसेंट सा आपको परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर है। 33 वाट का इसमें चार्जर आता है और 5030mAh की इसमें बैटरी है। 108 मेगापिक्सल का इसमें डुअल AI कैमरा आता है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है और यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 17.2 सेंटीमीटर का और यहाँ पर क्रिस्टल ग्लास आता है। Xiaomi का इसमें OS मिलता है और जो मेरे पास वेरिएंट है गाइस ये है 6GB रैम एंड 128GB वेरिएंट वाला ये स्मार्टफोन है, जो आपको इजिली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो। अब उसके बाद जैसे स्मार्टफोन को आप अनबॉक्स करोगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ ये एक बॉक्स मिलेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको केसेस मिलेंगे। इसको लेट्स एक बार ओपन करते हैं। तो ये है इसका Redmi की तरफ से ये सिंपल सिलिकॉन केसेस आता है, ठीक है। इसको ओपन करके आप अगर चेक करोगे इसे तो ये है हमारा मेन सिंपल सा सिलिकॉन केस, इसको साइड में रखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक सिम टूल किट मिलता है स्मार्टफोन के साथ में। एंड मेन चीज है यहाँ ये हमारा स्मार्टफोन जो कि सिंपल सा एकदम स्काई ब्लू टाइप का कलर है और काफी ज्यादा यहाँ पे शाइनी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। Redmi 12 5G के कंपेरिजन में इस बार Redmi 13 5G का लुक आपको ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा और कैमरा भी इसमें आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आपको बम्पर प्रोटेक्शन वाला कैमरा कवर आपको परचेस करना पड़ेगा अपने इस वाले स्मार्टफोन के लिए। उसके बाद इसमें मिलता है एक 33 वॉट का चार्जर जो कि प्योरली और चार्जर का वेट भी है और साथ में आता है एक टाइप सी केबल, जो लेंथ है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा ही, जो नॉर्मल बाकी सारे लेंथ होते हैं। और उसके बाद यूजर मैनुअल्स। तो बॉक्स में इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है और ये साथ में जो इसका सिंपल सिलिकॉन केस आता है, इसको अगर आप इस पर अप्लाई करोगे तो यू कैन सी, तो ये इसका नॉर्मल सा लुक देखने को मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए कटआउट्स, नीचे की तरह स्पीकर के लिए कटआउट्स, चार्जिंग पोर्ट के लिए यहाँ पर इस तरीके का कटआउट्स देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन। एंड ओवरऑल कैमरा के लिए भी पूरी तरीके से इसने बम्पर लेवल से प्रोटेक्शन दिया है। उसके बाद बॉक्स को साइड में रखते हैं एंड उसके बाद ये है नॉर्मल सा हमारे मोबाइल का लुक। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए ऑप्शन है, नीचे की तरफ स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे आई एल बस है। उसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिम स्लॉट से देखने को मिलता है और इसके अंदर अगर आप इसे ओपन करोगे तो नॉर्मली जो इसका सिम स्लॉट है, आप इसके अंदर दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, यानी कि सिंपल हाइब्रिड है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इसे लॉक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसे ऑन करते हैं। तो इस मोबाइल का जो सेटअप प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ताकि ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो स्मार्टफोन का सेटअप प्रोसेस करने के बाद स्मार्टफोन का जो लुक है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो इसका जो बेजल है वो एक तरीके से काफी जाड़ा है, तो ये बेजल है स्मार्टफोन तो नहीं है, बेजल इसके काफी काफी बड़े हैं, तो इसकी वजह से इसका इंप्रेशन थोड़ा सा खराब लग रहा है नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे कैमरा को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कैमरे के फीचर्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पर एक टाइम स्लैप देखने को मिलता है और जिसको आप 3x तक जूम कर सकते हो। उसके बाद वीडियो में आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1080p और 720p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर आपको सिर्फ 30fps फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है। ये इसका सबसे वर्स्ट सीन है, 13,000 रुपए में इन्फिनिक्स और टेक्नो के ऐसे का स्मार्टफोन्स आते हैं 5G स्मार्टफोन्स, जिनमें आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट सेल्फी में और यहाँ पर सिर्फ 720p और 30fps तक ही और 1080p 30fps तक का सेल्फी कैमरा मिलता है, विच इज कम्प्लीटली बैड। उसके बाद यहाँ पर फोटो मोड मिलता है जिसको आप 3x में जूम कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड मिलता है, इसको भी आप यहाँ पर एपर्चर आप इसका देख सकते हो ब्लर इफेक्ट के लिए। एंड उसके बाद नॉर्मली नाइट मोड मिलता है एंड 108 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा देखने को मिल जाता है, ओवरऑल इट्स गुड। एंड उसके बाद यहाँ पर इसका बैक कैमरा भी आपको नॉर्मली उतना ही इफेक्ट के साथ में देगा। उसके बाद डायरेक्टली इसके मोबाइल के सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फोन्स में। एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 128GB वाला वेरिएंट है, इसको अगर आप नॉर्मली केसेस में इसमें जो आपको यूसेज देखने को मिलता है जो ऑलरेडी यूज्ड होता है वो उसके अंदर 24GB 24 से 30GB के बीच में ऑलरेडी यूज होता है, बाकी आपको इसमें यूज करने के लिए मिलता है और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 14 के साथ में आता है, तो
विदाउट एनी डाउट आप इसके लिए जा सकते हो अगर आपको एंड्रॉयड 14 और बजट 5G स्मार्टफोन्स अगर आपको लेना है तो। अब उसकी वजह सबसे मेन चीज़ है इस स्मार्टफोन का कि इसमें आपको साउंड क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया है एंड इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट आउट करेंगे। तो साउंड क्वालिटी के लिए हम यहाँ पे प्ले करेंगे एक ट्रैक इन टेक का कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेते हैं, ठीक है। पैन एडिशन फोन इस साल का। अब मैंने वॉल्यूम पूरा फुल किया है, लॉन्च कर दिया है एंड आई टेल यू व्हाट, ये जो है ना ये एफी कहते हैं फैन एडिशन, बट मेरे हिसाब से ये फेस्टिवल एडिशन होता है क्योंकि फेस्टिव सीजन सेल सीजन में इसका जो सेल होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स। आपको अच्छे प्राइस में वही फ्लैगशिप जो है सीरीज के फीचर्स मिलते हैं वो नियरली सभी मिलते हैं इसमें। लेट्स टॉक अबाउट S21। तो इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे से ही आएगा। यहाँ पे वैसे एकदम क्लियर कट है, ऊपर से आपको कोई भी यहाँ पे साउंड देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे से ही आपको यहाँ पे साउंड आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक और इसमें अभी इसमें 4K वीडियो को प्ले करते हैं ताकि आपको 4K वीडियो का भी आइडिया आ जाए कि इसमें आपको 4K वीडियो में एक्जैक्टली क्वालिटी कितना देखने को मिलता है। तो मैं 4K वीडियो प्ले करता हूँ 4K 8 आवर्स, तो ये एक वीडियो प्ले करो यहाँ पे। अब देखो यार यहाँ पे गाइस 4K क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा इतना जूम किया और हाईएस्ट क्वालिटी इसमें जो सपोर्ट करता है 1080p, यानी कि देखो मेरे पास और भी स्मार्टफोन्स हैं 13,000 के, उसमें अगर मेरे पास आईफोन भी है नॉर्मल केसेस में, तो अगर नॉर्मली दूसरे मोबाइल में अगर आप में इस वीडियो को प्ले करते हो तो यहाँ पर 4K 2K इजिली सपोर्ट करता है, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1080p का ही सपोर्ट दे रहा है। तो हाईएस्ट क्वालिटी आप इसमें जो प्ले कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 1080p का ही आप वीडियो यहाँ पर प्ले कर सकते हो, कोई भी 4K वीडियो। अब एक और यहाँ पे 4K वीडियो प्ले करते ताकि आपको और अच्छे से आइडिया है। ये दूसरा एक और 4K वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं, इसमें भी जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी देखने को मिलेगा वो भी है ऑलमोस्ट सेम टू सेम 1080p का ही 4K वीडियो यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलेगा, ओनली एंड ओनली 1080p। कोई भी 4K वीडियो आप इसमें प्ले करो। अब उसके बाद देखो डिस्प्ले का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको इतना ज़्यादा खास देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज इसका ब्राइटनेस का जो निट्स है वो आपको इतना हाई लेवल का नहीं मिलेगा बजट सेगमेंट के हिसाब से। तो मेरा आप लोगों से बस एक ही कहना है कि 13,000 रुपये में अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आपको और भी स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। देखो जैसे कि मेरे पास एक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है, इन्फिनिक्स नोट 30 5G, और साथ ही साथ एक और टेक्नो का भी स्मार्टफोन है, टेक्नो पोवा 5 प्रो। तो ये दोनों के दोनों 5G स्मार्टफोन है और दोनों में आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बैक से और फ्रंट कैमरा से दोनों से आप 2K वीडियो इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो। खाली प्रॉब्लम है सर्विस सेंटर का, तो अगर आपको सर्विस सेंटर का इशू नहीं चाहिए तो आप रेडमी के स्मार्टफोन को ले सकते हो, बट मेरा हाईली रिकमेंड होगा कि आप इस स्मार्टफोन के लिए मत जाइए। अगर आप 13,000 रुपये में बजट सेगमेंट 5G स्मार्टफोन देख रहे हो तो आप इन्फिनिक्स या टेक्नो के लिए स्मार्टफोन्स के लिए जा सकते हो, बट फिर भी अगर आपको रेडमी के स्मार्टफोन पसंद है तो आप जा सकते हो। इसका लुक एक तरीके से अट्रैक्टिव तो है एज कम्पेयर टू रेडमी 12 5G के कंपेरिजन में, इसका लुक तो आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। और जो इसमें 33 वॉट का चार्जर आता है उससे आप इजिली 1 आवर 30 मिनट्स में आपका स्मार्टफोन इजिली चार्ज हो जाएगा। तो ये थे हमारे Redmi 13 5G स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड आपको कुछ भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।